पता होना चाहिए कि हमारी बहन ठेपा मार नहीं थी। कहिए ना कि हम माहिर हैं, हम ग्वाला हैं, हम जादो हैं, हमको सब कुछ उन्हें आता है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं साधु यादव जी। साधु यादव जी राजद के पूर्व सांसद हैं, लालू यादव जी के शाले हैं, राबड़ी देवी जी की बहन है। तो आपका स्वागत है साधु जी लाइव स्टेज में। थैंक यू साधु जी। एक वेब सीरीज आई है महारानी, जिसे लेकर कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और हेमा कुरैशी जो वेब सीरीज में दिखाई पड़ रही हैं, उनका चरित्र कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी से मिलता जुलता है, और इस पर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। राबड़ी देवी जी आपकी बहन है, आपने शुरुआत से देखा है, और कहा यह जा रहा है फिल्म में, जैसा वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है, कि हेमा कुरैशी कहती हैं अपने मालिक, मतलब यदि हम मान लें कि राबड़ी देवी को दिखाया जा रहा है, तो लालू जी से कहती हैं कि आप मुझसे चाहे जितनी मर्जी हो गोईठा सिकवा लीजिए, जितनी मर्जी हो भैंस का दूध दुबा लीजिए, लेकिन सरकारी संचिकाओं पर, सरकारी फाइल पर इतने अंगूठे लगाने को मत कहिए। साधु जी, क्या लगता है कि राबड़ी जी ऐसी थी जैसा दिखाया जा रहा है वेब सीरीज में? बिल्कुल ये गलत है, ये चरित्र हनन है और ये बदनाम करने की साजिश हो रही है और बिहार का छवि खराब करने की ये साजिश इसमें हो रही है। ये बात सही है कि ये लोग जानबूझ करके इस तरह का, पहले भी कई तरह का बिहार में पिक्चर बना, उसमें भी बिहार का छवि खराब किया गया, पॉलिटिकल पार्टी का छवि खराब किया गया। तो ये एक मानसिकता है इन लोगों का, जो लोग बना के चला रहे हैं, इसमें पर्दा के पीछे कोई आदमी है, कोई पार्टियां है, कोई सरकार है जो ये काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है, बिहार के लोग भी जानते हैं, बहन राबड़ी देवी जी को कौन नहीं जानता है, पूरा देश जानता है, बिहार जानता है। और वे जो किरदार जो कुरैशी अपना निभा रही हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारी बहन ठेपा मार नहीं थी, वे पढ़ी लिखी थी, जितना ही पढ़ी लिखी थी और लिखना भी जानती थी और दस्तखत करना भी जानती थी। इसमें बिल्कुल गलत दिखाया गया है। नहीं, तो आप कह रहे हैं दस्तखत करना जानती थी, दस्तखत करने से आगे कितना जानती थी? नहीं, हम बोलते रहे कि पढ़ना भी जानती थी और लिखना भी जानती थी, हम तो दोनों बात तो बोलिए रहे हैं कि पढ़ना जानती थी, लिखना जानती थी। लेकिन मुझे तो याद आ रहा है साधु जी, जब 1997 में ये फैसला हो रहा था कि लालू जी चारा घोटाले में सीबीआई के जांच में आ गए थे और उन्हें कुर्सी छोड़नी थी, तो पहले तो कई दिनों तक बात चलती रही कि उनकी जगह पर कुर्सी आप ही को मिलेगी, लेकिन फिर ये बात हुई कि नहीं, राधानंदन झा और सीताराम केसरी ने सलाह दी कि ये कुर्सी जो है राबड़ी देवी को मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि गलती से कहीं हो गई, आप ज्यादा बेहतर चला? नहीं नहीं, ये विधायकों की राय थी, पूरे विधानमंडल दल का ये राय बनी थी कि लालू जी के बाद अगर कोई बात होता है तो राबड़ी देवी जी को ही मुख्यमंत्री मानना है, ये पूरे विधायकों की राय थी। हाँ, अच्छा, दूसरे पर कोई विधायक तैयार नहीं थे, दूसरे पर तैयार नहीं थे। तो आपको लगता है कि राबड़ी देवी जी ने जिस तरीके से बिहार में शासन चलाया, वो शासन बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक था शासन, तो बढ़िया चला, कहीं किसी प्रकार का कहीं गड़बड़ी है तो बताइए, राबड़ी देवी जी के शासन में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है तो बताइए। लोग तो कहते हैं जंगल राज था। अब जंगल राज कहिए या मंगल राज कहिए, अभी अभी मंगल राज है क्या? अभी जो राज है मंगल राज है, आप बता दीजिए कि मंगल राज है, हम मान लेते हैं, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, मीडिया के लोग बता दे, जनता बता दे कि मंगल राज है, अभी जो राज चल रहा है मंगल राज चल रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि तब भी या देश में जो राज चल रहा है मंगल राज चल रहा है? मतलब आप ये भी कहना चाहते हैं कि तब भी जंगल राज था, आज भी जंगल राज है? बिल्कुल सही बात है। हाँ, आज कोई मंगल राज थोड़ी चल रहा है। हाँ, क्या नहीं हो रहा है इस राज में, लूट खसोट क्या नहीं हो रहा है, क्राइम चरम सीमा पर है, कहाँ रुक रहा है, कोरोना काल में भी क्राइम नहीं रुक रहा है। अच्छा, ये लूट नहीं है क्या? ये जो वेब सीरीज आई, यदि आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है, कोई खद्यंत है, कॉन्स्पिरेसी है, कौन से लोग लगते हैं इसके पीछे साजिश कर सकते हैं और इसके पीछे क्या खेला हो सकता है? इस पर यही ना चलेगा भाई कि बिहार में एक मजबूत पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और उस राष्ट्रीय जनता दल को छवि को बदनाम करो, यही होते कौन लोग कर रहे हैं? यही होते कौन लोग कर
अपोजिट पार्टी करेगा और कौन करेगा, जो जो ताकतवर पार्टी होगी, जो जिसको भय है आरजेडी से, जिसको डर है आरजेडी से, तो वही करेगा, दूसरा कौन कर सकता है। आपका इशारा जेडीयू की ओर है कि बीजेपी की ओर है? नहीं, जो भी इसके सामने होगा उसी को कहा जाएगा ना। अच्छा, तो आपको साधु जी ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से आप लोग सत्ता में थे और जिस तरीके की हनक थी, और यदि हनक आज की तरह ही होती तो ये जो लोग जो वेब सीरीज बना रहे हैं जिन्हें आप गलत मान रहे हैं उनकी बैन बजा देते? बिल्कुल, ये गलत बात है। पहले भी अपहरण फिल्म बनाया शहाबुद्दीन पर, किरायेदार लोग दर्शाया ना, और हमारे नाम पर भी गंगा जल बना, जो प्रकाश झा जी बना दिए थे, प्रकाश झा भी अपहरण फिल्म भी बनाए थे। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में कई तरह का पहले भी एक फिल्म बना था, बहुत पहले गंगा जल अपहरण के पहले, तो वो भी उसी तरह का था, बिहारे पर था वो, ये तो चलते आ रहा है। और बनाने वाले लोग क्या मानसिकता इस पाल के रखे हैं बिहार के धरती पर, समझ में नहीं आता है क्या ये लोग बिहार को क्या समझ लिए हैं। तो इस तरह से बनाते हैं, उनका अपना दाल रोटी रहता है, करते हैं। तो शहाबुद्दीन को आप पवित्र आत्मा मानते हैं क्या? नहीं, हम फिल्म का जिक्र किया, जी हम किसी को ना पवित्र बोल रहे हैं ना पवित्र बोल रहे हैं, जो फिल्म बना उसका हम नाम जिक्र कर रहे हैं। तो यदि आप मानते हैं कि राबड़ी देवी का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है, खद्यंत हो रहा है, तो क्या नहीं लगता है कि इस पर आवाज उठनी चाहिए, बिहार की आवाज उठनी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल की आवाज उठनी चाहिए? आप देखे थे ना, एक बार आवाज उठ गया गंगा जल के नाम पर, सब जगह सिनेमा हॉल और पटना से लेकर के देश भर में लोगों ने, सपोर्टरों ने, समर्थकों ने हंगामा किया। क्या हुआ? उसका और फिल्म चल गया और फिल्म चला दिया लोग उसका बवाल करके, तो उसे तो और नुकसान हुआ। हाँ, मतलब किसी को ज्यादा चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। लालू जी अस्वस्थ चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, और अभी दिल्ली में ही है। क्या आपको लग रहा है राजद का भविष्य बिहार में दिखता है? देखिए, अभी तो बिहार का सबसे बड़ी पार्टी है राजद। अच्छा, अभी बीजेपी और जदयू से तो बड़ी पार्टी है, तो जो बड़ी पार्टी होगी उसका भविष्य तो रहेगा ही, भविष्य रहेगा ही। हाँ बिल्कुल रहेगा। अच्छा, आपको इस बात में भरोसा दिखाई पड़ता है कि जिस तरीके से लालू यादव जी ने संघर्ष किया और पार्टी खड़ी की, ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी यादव आपके जो भांजे हैं वो बिहार को संभाल लेंगे और पार्टी को संभाल लेंगे? देखिए, कुर्सी सिखाता है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, इसी धरती पर लोग सीखता है, और कुर्सी पर बैठता है तो सब चीज आ जाता है, अच्छा चलने लगता है। मतलब जिस तरीके से राबड़ी देवी कुर्सी पर बैठी तो सब कुछ सीख गई, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव बैठ जाएंगे तो सीख जाएंगे? तो माँ के पेट से कोई सीख के आता है क्या? यही आकर के सीखता है, जब कुर्सी मिलता है तो सब लोग सीखता है। अच्छा, तो अच्छा कुर्सी ये पर बताइए जो बैठिएगा तो, जी हाँ बोलिए। ये जो कहा जा रहा है, क्या आपने कभी मतलब हम मायके की भी बात कर लेते हैं, ससुराल की भी बात कर लेते हैं, राबड़ी देवी जी को कभी गोईठा सेकना पड़ा या भैंस का दूध दुहना भी पड़ा क्या जिंदगी में? देखिए, ये हमारा जो समुदाय है, हमारा जो जात है, हमारा जो व्यवसाय है, हमारा दूध का व्यवसाय है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते, बात समझ गए। लेकिन हमारे परिवार में अब लालू जी तो भैंस दूह के दिखाते थे ना, गाय चुन के दिखाते थे कि नहीं, आपको या मीडिया के जो भी आते थे दिखाते थे कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिखाते तो थे। क्या उसमें बुराई क्या है? इसमें क्या बुराई है? हाँ। बुराई क्या है बताइए हमें? मेहनत नहीं, करना, काम करना बुराई है? हम गोहरा नहीं पास सकते हैं? पढ़े लिखे आदमी गोहरा नहीं पाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि गोहरा पाते वाला आदमी ज्ञानी नहीं है? कोई भी काम करना बुराई नहीं है, उसको गलत नजर से आप देखिएगा तो बुराई लगेगा। तो आज भी आप भैंस दूध लेंगे? अरे हम कह रहे कि हम माहिर हैं, हम ग्वाला हैं, हम जादू हैं, हमको सब कुछ दूने आता है। सब कुछ दूने आता है, मतलब गाय भैंस के अलावा मतलब भी कुछ दूते हैं क्या? अरे भाई, तो वही ना कह रहे कि गाय भी दूहेंगे भैंस भी दूहेंगे। अच्छा, तो ये विरोधियों से लड़ेंगे कैसे जो बदनाम करा रहे हैं आपको?
क्या हमारा, हम तो बार बार वही बात बोल रहे हैं कि हमारा जो समुदाय है वो पसंद करता है, हम कैसे उसको इनकार कर सकते हैं? हमारा जो समाज है पसंद करता है गाय दूना, भैंस दूना, खेत में काम करना, अन्न पैदा करना, किसानी करना, हम कैसे इनकार करेंगे? तो चलिए चलते चलते, क्या तेजस्वी यादव को मामा का आशीर्वाद मिल रहा है कि उनकी राह जो है आसान बने और वो अपनी कुर्सी पर बैठे? अरे भाई हम तो अलग हैं, हम कहाँ हैं हम पार्टी में, हमारा तो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का हम उम्मीदवार है। दो बार से हम चुनाव महाराजगंज भी लोकसभा लड़े, कहाँ हम राजद में है कि हम बताएं कि कौन बन रहे हैं कौन नहीं बन रहे हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन मामा का आशीर्वाद भांजा को मिलेगा ना जरूरत पड़ने पर? अच्छा मामा जो है कोई भी चाहेगा कि भगना मुख्यमंत्री नहीं बने, आप मतलब बता दीजिए, चलिए अगर उसमें हाँ, बिल्कुल, गणित होगा बनने का तो बनेगा, हाँ, तो कौन आदमी नहीं चाहेगा, उसके पास गणित है तो क्यों नहीं बन हाँ, सकता है, संख्या बल तो है बातचीत करने के लिए बिल्कुल अच्छा कैपेबल है, ये तो आप मान ही रहे ना? नहीं 110 उसके पास अभी बरकरार है ना, हाँ, 110 उन विधायक उनके पास है, पास होगा, 110 विधायक तो है ही साथ में, कांग्रेस और माले और सीपीआई सीपीएम और आरजेडी मिला के 110 है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, पूरा देश जानता है, दुनिया जानता है 110 उनके पास संख्या बल है। अब जो लोग बीच के कड़ी में जो लोग हैं क्या है नहीं है वो हम नहीं उसमें जाना चाहते, बाकी आरजेडी के पसंद अगर तेजस्वी है, गठबंधन के पसंद तेजस्वी है, तो उसको कोई हटा देगा क्या? सुने जो अभी कुछ मंत्री लोग हैं वो भी आपसे मुलाकात कर रहे हैं इधर के दिनों में? नहीं नहीं ये हमसे कोई नहीं मिलता है, ना हम किसी से भेंट करते हैं ना बात करते हैं, ये सब गलत बात है, गलत बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी लाइव सिटीज से बात करने के लिए, हम किसी मुद्दे पर फिर आपके साथ जुड़ेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।